दोस्तों, आज के वक्त में फ़ोन्स धड़ाधड़ लॉन्च हुए जा रहे हैं और कंपनीज़ अपने स्मार्टफोन्स लाए जा रही है और इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है 5G। इनमें आपको जो कंपनी है वो इसका मेन सेलिंग पॉइंट जो होता है वो 5G के नाम पे दे देती है। लेकिन क्या आपको 5G अभी कंसिडर करना चाहिए या आपको बाकी स्पेसिफिकेशंस भी देखनी चाहिए? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप 5G फ़ोन अगर अभी कंसिडर कर रहे हो तो क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और क्या 5G फ़ोन अभी लेना सही रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब अगर हम बात करें 5G इंडिया में, मुझे लगता है फ़िलहाल के लिए 5G इंडिया में कोई सीन नहीं है, इसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं याद करूं, जो पहला 5G डिवाइस था इंडिया में वो लास्ट ईयर फेब में था और तब से कंपनीज़ अपने 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इनमें जो 5G बैंड्स है वो ज़्यादा नहीं दे रही है। कुछ कंपनीज़ है जो अपने 5G स्मार्टफोन्स में मैक्सिमम 5G बैंड्स दे देती हैं, लेकिन मैक्सिमम मैंने देखा है कि इनमें एक 5G बैंड या मैक्सिमम दो 5G बैंड सपोर्टेड होते हैं। तो आपको क्या कर रहे हैं, अगर आप अभी के टाइम पे कोई 5G स्मार्टफोन ले रहे हो तो आप उसमें ज़रूर से देखिएगा कि उसमें कितने 5G बैंड्स सपोर्टेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी स्मार्टफोन लोगे एक बैंड वाला 5G वाला, ठीक है, कल को उसमें कम चांसेस है, जो कल को 5G लॉन्च हो जाएगा उसमें जो मतलब 5G बैंड्स होते हैं, मतलब कि 1800 मेगाहर्ट्ज़ या 800 मेगाहर्ट्ज़ या 2100 मेगाहर्ट्ज़, ऐसे 5G बैंड्स आते हैं। तो उसमें अगर आपको एक ही 5G बैंड है तो कल को अगर जब इंडिया में 5G लॉन्च हो जाएगा तो उसमें कम चांसेस है कि उस टाइम वाला 5G उसमें चलेगा भी या नहीं चलेगा। वही अगर आप कुछ कंपनीज देखोगे जो 10-11 5G बैंड्स दे देते हैं अपने स्मार्टफोन में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कल को जो 5G लॉन्च हो जाएगा उसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि उसमें 5G चलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे 5G की, ये टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सब 6 GHz और मिलीमीटर वेव, और जो कि मुझे लगता है इंडिया में सब 6 GHz ही चलेगा। जो मिलीमीटर वेव है वो खाली अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में काम करती है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे 5G की इंडिया में, अभी तो मुझे लगता है ये फ़िलहाल मिथ ही है, आप ज़्यादा 5G पे फोकस ना करो। फिर भी अगर आप 5G ला रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपना स्मार्टफोन जो है 3-4 साल यूज़ करते हो, तो अगर आप अभी के टाइम पे 5G स्मार्टफोन ला रहे हो तो आप ज़रूर से उसमें देखिएगा कि उसमें कितने 5G बैंड सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कंपनीज़ हैं ये फ्यूचर में अपडेट के थ्रू अपने स्मार्टफोन में और भी 5G बैंड्स का सपोर्ट दे सकती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, आप स्मार्टफोन वही चूज़ करो जिसमें आपको प्रेजेंट में जो फीचर्स हैं आप उसी के अकॉर्डिंगली अपने लिए स्मार्टफोन चूज़ करो, क्योंकि फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे नहीं आएंगे उसकी तो कोई गारंटी है नहीं, और जो टेक्नोलॉजी है इस पे तो कोई भरोसा नहीं होता है कि फ्यूचर में कैसे 5G बैंड्स होंगे या कैसे नहीं होंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप स्मार्टफोन वही चूज़ करो जिसमें अभी के टाइम पे जैसे फीचर्स हो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने लिए स्मार्टफोन चूज़ कर सकते हो और उन्हीं 5G बैंड्स के अकॉर्डिंग अपने लिए एक स्मार्टफोन चूज़ कर सकते हो। फिर भी अगर आप 1 साल या 1.5 साल अपना स्मार्टफोन मैक्सिमम यूज़ करते हो तो मुझे लगता है आप अभी 4G भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जिसमें अच्छी स्पेसिफिकेशंस भी होंगी तो वो आराम से आपको चल जाएगा। तब तक 5G तो आएगा नहीं आएगा अभी उसमें कोई कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप अभी के टाइम पे कोई स्मार्टफोन ले रहे हो, आई होप कि आप ये चीज़ें कंसिडर करोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो को ज़रूर से दीजिएगा थम्स अप और इस वीडियो को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।